पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीईटी में बदले गए हैं 3 परीक्षा केंद्र। ये खबर तो कल मैंने आपको बता दी थी, जिसमें कि जिन सेंटर्स के अंदर पानी भर चुका है, जिन जिलों में ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ चुकी है, उनके सेंटर्स चेंज कर दिए गए हैं और 3 केंद्र चेंज करे गए हैं। और आज शाम तक आपको कोई ना कोई नोटिस जरूर मिलेगा UP SSC की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा के अंदर। आप लोगों को काम क्या करना है इस आर्टिकल के अंदर आप लोग देख लीजिए, रिविजन में जुड़ जाएं अभ्यर्थी। जुलाई 2021 से अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना है, सिर्फ यहां पर यह बताया गया है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि अभी करंट अफेयर्स आप लोगों को देखना है जुलाई से लेकर और अगस्त तक, पिछले जुलाई 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का ही पढ़ें, सितंबर का मत पढ़ना और अक्टूबर का तो पढ़ना ही मत, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए कुछ खास खबर, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्थ परीक्षा यानी कि PET 15-16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, समय बहुत ही कम बचा है और विशेषज्ञों की सलाह है कि अभ्यर्थी नया कुछ भी ना पढ़े और इसकी जगह आप लोगों को क्या करना है कि रिवीजन करना है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी उस वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोगों को 80+ नंबर लेकर आने हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से वीडियो पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आप लोगों को क्या क्या करना है सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।